जिस तरह आपने इलाहाबाद में भी देखा होगा, और तो कुछ कहने के लिए इनके पास था नहीं, एक ही शोर मचा रखा था, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार, रोजगार दे दिए, गरीब के लड़के लगा दिए, पहले ऐसे लगते थे, हुड्डा साहब ने भी ऐसे लगाए, भजनलाल जी ने भी ऐसे लगाए, चौटाला साहब ने भी ऐसे लगाए, हमने ईमानदारी से लगाने का काम किया है, जो पूरा हरियाणा में शोर मचा रखा था, और आप कभी इलाहाबाद में एक एक गांव में, और इन्होंने एक एक वार्ड में जाके जो दावे करते थे बड़े बड़े, उन दावों की पोल इनकी अपनी जो सरकार की एक एजेंसी है विजिलेंस, ये कोई विपक्ष की कहने की बात नहीं, इनकी अपनी एजेंसी ने खोल के रख दी, जब इनके अधिकारी को करोड़ों रुपए के साथ HPSC जो एक विद्यार्थियों का मंदिर है, जहाँ से सबसे बड़े पद, चाहे वो SDM का है, DSP का है, ETO का है, तहसीलदार का है, जहाँ इन पोस्टों पे नौकरियाँ लगती हैं, उसके कार्यालय में करोड़ों रुपए बरामद हो गए, इनकी पोल खुल गई। और जब इनको ये लग्या कि इसमें तो सिर्फ नागर, अनिल नागर है वो इन्वॉल्व नहीं है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में इनके OSD हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो आप जैसे पत्रकार उनका नाम भी बताते हैं, इनके मंत्री शामिल हैं, RSS के लोग शामिल हैं, तो फिर इन्होंने आनन फानन में क्या कराया, उसको जुडिशियल कस्टडी में भिजवाने का काम कराया, वो पूछताछ से बंद कर दी, और जिन जिन ठिकाना पर ले जाना था वहाँ ले के नहीं गए। तो सारी पार्टियां ने, विपक्ष किया ने, इस पर प्रदर्शन भी करने का काम कराया है, प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कर दिया, अगर भाई सरकार के खिलाफ को नहीं, सैलजा ने हुड्डा के खिलाफ कर दिया, और हुड्डा ने सैलजा के खिलाफ कर दिया, आपने भी देखा होगा बयान भी एक दूसरे के खिलाफ आए, हुड्डा साहब ने कहा अगर भाई मैं तो कलर का घेराव नहीं करता, फिर वे अपना दीपेंद्र क्यों भेज रखे जब नहीं करता, तो जब सारा इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व ने इनका तमाशा देखा, तो अब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया, आने वाली जो 16 तारीख है उसमें जो हमारे भाई करण है, करण चौटाला है, अर्जुन चौटाला हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरजीत संधु जी, हमारे छात्र विंग के हैं अरविंद गोस्वामी जी, इन सारे युवा नेताओं के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वहाँ HPSC के सामने जहाँ प्रदर्शन करने का काम करेंगे प्रदेश के छात्र और युवा, वहीं जो डिग्रियाँ की कापी हैं फोटो कापी हजारों की संख्या में करण और अर्जुन के साथ साथ सारे जितने भी युवा वहाँ पहुँचेंगे, उन फोटो कॉपियों को जलाने का काम करेंगे और एक संदेश देने का काम करेंगे पूरे भारतवर्ष में, अगर हरियाणा प्रदेश में इन डिग्रियों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम इनको जलाते हैं क्योंकि ये रोजगार देने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ पार्टी ने यह भी निर्णय किया है 17 तारीख को 11 बजे युवा साथी अर्जुन चौटाला और करण चौटाला के नेतृत्व में गवर्नर से मिल के ये मांग करेंगे कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से, सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए, ताकि उन लोगों को भी सामने लिया जा सके जो इसके पीछे थे, जो पैसे लेते थे, और जो उन युवाओं के सपनों को कुचलने का काम करते थे, जो रोज़ कोचिंग सेंटरों में अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई देने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे थे, उनके नाम सामने आ सकें। इस तरह का पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे, बिल्कुल पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे, और सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा हरियाणा प्रदेश का युवा, आज तक किसी में 2000 की संख्या का भी यूथ का प्रदर्शन नहीं हुआ है, आप पर तो सारी वीडियो मिल जाएंगी पत्रकारों पर, आप देखो जिस युवा कांग्रेस के इलेक्शन में 8 लाख वोट आए हैं, जो बुद्धि राजा बनया है इनका, ये दावे करते हैं पूरा यूथ वोट तो 8 लाख, और जब उसमें 800 आदमी हो तो फिर मैं जवाब दे हूँ आपके प्रति, जो प्रदर्शन था 8 लाख वोटर यूथ 800 भी को नहीं, इसका मतलब यू है वो भी फर्जीवाड़ा था सारा, जिसमें अपनी जेब से 50-50 रुपये भर के और लोगों के आई कार्ड और आधार कार्ड मांग के वो फर्जीवाड़ा करके 8 लाख वोट गिरवा दिए, और जो हकीकत आई तो 800 भी नहीं मिले। आज पूरी तरह से युवा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भाई अभय सिंह का साथ देने का निर्णय कर चुके हैं, और ये बात प्रमाणित हो जाएगी 16 तारीख को पंचकूला के 5 सेक्टर में। देखिए किसान के अंदर एक आग है भाई, उसका हक छीना गया है, आज कर्जे के नीचे दबिया हुआ है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और जो नारा दिया गया था अगर वह 2022 तक आमदनी डबल कर देंगे, वह 22 जब आती दिखाई दे रही है और आमदनी आती भी नहीं रही, तो जो ये उनका अंदर का आक्रोश है यूँ सामने आ रहा है, और जब तक सरकार कोई इस तरह का प्रबंध किसान के लिए नहीं करेगी,
एक आराम से अपना जीवन यापन कर सके, बच्चों की फीस दे सके, इलाज करवा सके और अपना जीवन जी सके ठीक ढंग से, तब तक ये बार बार किसी न किसी रूप में आक्रोश सामना आता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है। चंडीगढ़ तो जीत ली, दिल्ली की बारी है। दसमत एक सीट भारतीय जनता पार्टी को दे मांगी, और दो 72 चाहिए दिल्ली खातिर। तो अजय भाई साहब ने जो कहा है अपने भाषण में, वो तो नहीं कहा भाई तो दिल्ली जीतनी है जी। और चौटाला साहब ने प्रेस नोट में कहा था भाई काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ दी। इनने एक आया सीएम, आया सीएम कह के देख लिया, इब दोबारा ये नहीं सोचे हैं। इनकी एक ही बात है, इनमें कोई आप सोचो नहीं इनमें कोई डिफरेंस आया है, कुछ नहीं। सारा लूट का हिस्सा बन रहा है, मंत्रालय बन रहा है, मंथली बन रही है, और ब्यूरोक्रेट्स में तो ये है भाई ऊपर पैसा जा रहा है। तो इनमें कोई लड़ाई नहीं है, या तो ये है भाई बुक आएगी, जिस तरह इन्होंने पहले लोग साथ लगा लिए थे, ये उनको दोबारा सीएम के नाम पर साथ लगा ले। इसमें ना तो इन्हें दोबारा सीएम बनना, इनको तो एमएलए बन के भी लाले पड़ने वाले हैं। सीएम तो बहुत बड़ी बात है। रैली तो आपने देखी होगी, इन 500 ठेकेदार हैं जो इनके, जो जिनको ये ठेके देते हैं, हालांकि पैसे दे के ठेके देते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो पंचायत डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो एक्साइज के हैं। 500 बस जुम्मन लगाई थी उनके। अब एक ठेकेदार कोई एक ले गया होगा, कोई दो ले गया होगा, वह संख्या 1,00,000 आदमी की बने थी, और उसमें 10,000 आदमी भी को नहीं पहुंचे, जिनमें इसके एमएलए भी आ गए, इनके चेयरमैन भी आ गए, इनका पूरा संगठन आ गया। 10,000 आदमी नहीं पहुंचे, इससे इनकी जो पार्टी की संगठन की जो है नहीं मजबूती, वो आप लोगों के सामने है, वो तो वीडियो पड़ी है, लोग गिन लो आप। ये तो थोड़ा टाइम 3 साल पड़ा है, नहीं तो कोई घुसन नहीं देगा इन गामा में, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बात करी थी कोई उस चीज़ का, आप देखो 75% रोजगार का, आप कह रहे हैं पुराने वाले तो रहेंगे। दुष्यंत ने जो कहा था भाई 12,00,000 बेरोजगार लग सकते हैं गुड़गांव में, बाहर के लोग 12,00,000 कर रहे हैं नौकरी, यदि 75% आरक्षण हो गया तो 9,00,000 हरियाणा के लगेंगे, 9,00,000 हरियाणा के लगेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहोगी। ईब उसने कहना शुरू कर दिया जो लग रहे हैं तो लगे रहेंगे, नई जो कंपनी आओगे वो 3 साल मौका मिलेगा, वो अपने हिसाब से लगाओ, फिर लगाओगा कौन? शराब वाला मामला तो इनका पुराना है जी, जब आपने लॉकडाउन में नहीं देखा इनके लोग बेच रहे थे, इनने सोचा भाई हरियाणा की जनता पागल है, शराब के पीछे वहाँ लाखों लोग चले जाओगे, इस तरह के शराब में लोगों के जमीर नहीं खरीदे जा सकते।